सिर्फ एक सेल की मदद से अपना फोन चार्ज करके दिखाऊंगा। आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो सिर्फ इस सेल की मदद से। ये नॉर्मल सेल नहीं है जो आप रिमोट के उसमें घड़ी में या फिर टीवी के रिमोट में लगा, तो ये है लिथियम लियोन बैटरी जो कि आपको टॉयज़ के अंदर मिलती है। रिमोट कंट्रोल टॉयज़ हो गए, जो आरसी टॉयज़ हो गए, उसके अंदर आपको ये बैटरी देखने को मिल जाएगी। आपने देखी भी होगी अगर आप इंजीनियर हो। ठीक है, अब सेकंड चीज़ हम जो इससे चार्ज करने वाले हैं अपने इस जियो फोन को, ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से करने वाले हैं। आप लोग भी घर पर आराम से कर सकते हो। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हमारे पास जो फ़ोन है वो होना चाहिए अपने पास, ये फ़ोन ये रहा। और गैस हमने जो लिथियम लियोन बैटरी थी उसको इस कनेक्टर के अंदर डाल रखा है। इसमें क्या होता है, ये ना पावर बैंक के अंदर से मैंने सिस्टम निकाल रखा है। आप चाहे सिंपल एक डेटा केबल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मेरे पे डेटा केबल नहीं थी तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये लग रखा है इस तरीके का, ये पावर बैंक मान लो। अब यहाँ पर मेरे पास डेटा केबल है, ये रही, मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहता, मैं काटना चाहता था पर नहीं काट सकता। अब मैं इस डेटा केबल को जैसे इसके अंदर एंटर करूँगा, ठीक है, एंटर करने के बाद अब इस फ़ोन को चार्ज करने की कोशिश करूँगा तो हमारा फ़ोन जो है चार्ज होगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है यार, ये देखो यहाँ पर लाइट जल रही है और हमारा यहाँ पे फ़ोन चार्ज हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो इसका पावर बैंक बनाने में भी यूज इजीली से कर सकती है। देखो हमारे यहाँ पर चार्ज हो रही है। अच्छी बात ये होती है कि इजीली चार्ज भी हो जाते हैं अपने डेटा केबल से, या फिर नॉर्मल चार्ज से इसको चार्ज कर सकते हो और इसका यूज कर सकते हो, पावर बैंक बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अच्छी वीडियो, अच्छी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।